छज्जा जो हिरना वगैरह है वो बच्चे भूल चुके हैं, और जो लोहड़ी है उसका लुप्त हो गया, मैं कहूँगी वो फेस्टिवल लुप्त हो गया, क्योंकि हम घर में एक लोहड़ी जला लेते हैं और बस इतना ही रहता है। हमने सोचा क्यों ना ये कल्चर को रिवाइव किया जाए और वापस जो है लोगों को जोड़ा जाए और इस इवेंट में लोग बहुत ही बड़ा ग्रैंड इवेंट था, और इस तरह के इवेंट मैं चाहता हूँ हर फेस्टिवल पर होने चाहिए, दिवाली पे हो, लोहड़ी पे हो, वैसाखी पे हो, ताकि हमारे लोगों का आपस में मेल मिलाप जो है वो बना रहे, क्योंकि आजकल सारी दुनिया फोन में घुसी हुई है, ठीक है ना। फोन एक ऐसी चीज़ है, एक परिवार के 10 बंदे एक ही कमरे बैठे हुए हैं लेकिन वो फोन के माध्यम से एक दूसरे से कोसों दूर है। तो इस तरह के इवेंट हमारे इतिहास में होते रहे हैं। एक मेगा लोहड़ी फेस्टिवल है जो कि पहली बार रियासी में ऑर्गेनाइज करवाया गया जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इसमें बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट थे जो जम्मू से भी आए थे, हमारे रियासी के छोटे छोटे कलाकार थे वो भी यहाँ पर रहे और उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम जो यहाँ पर हुए, उसके अलावा हमारे स्कूल्स के बच्चे आए थे। तो हमने स्पेशल ये यूथ के लिए रखा था क्योंकि छज्जा जो हिरना वगैरह है वो बच्चे भूल चुके हैं, और जो लोहड़ी है उसका लुप्त हो गया, मैं कहूँगी वो फेस्टिवल लुप्त हो गया, क्योंकि हम घर में एक लोहड़ी जला लेते हैं और बस इतना ही रहता है। हमने सोचा क्यों ना ये कल्चर को रिवाइव किया जाए और वापस जो है लोगों को जोड़ा जाए, और इस इवेंट में लोग जो हैं वो जम्मू के भी थे, कटरा, उधमपुर और कठुआ, जम्मू, सब जगह से यहाँ पर लोग जुड़े और लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हुए। हमारे डीडीसी चेयरमैन थे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, जुगल किशोर शर्मा जो हैं कटरा से वो भी यहाँ पर आए थे, और हमारे सोनू ठाकुर जी सोशल एक्टिविस्ट, और भी काफ़ी जो नेता थे वो यहाँ पर रहे। हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट चेतन सलाथिया, चमन लहरी जी, राजू विजयपुरिया, हमारे जयसिद बल्ला जो न्यू हमारे पॉलिटिशियन बन रहे हैं,
और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे। आइडिया किसका था, क्या प्रशासन ने आपसे संपर्क किया था या फिर आपका आइडिया था, आपने प्रशासन? नहीं, ये एक्चुअली हम इवेंट जो है वो पहले भी करते आए हैं, लेकिन ये इवेंट हम जम्मू में करते थे। हमें क्यों ना, हमें लगा कि क्यों ना अपने होम टाउन में किया जाए, रियासी में भी ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। जैसे होली फेस्टिवल हो गया, लोहड़ी फेस्टिवल हो गया, नवरात्रि होगी, क्योंकि बाहर जो है वो हमारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं और बाहर की स्टेज उनको अच्छी लगती है, लेकिन हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा इवेंट कभी भी नहीं हुआ जिससे हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिले। ऐसी डीजे नाइट नहीं हुई। अब जो लोहड़ी फेस्टिवल, बिल्कुल सिर्फ लोहड़ी ही नहीं और बाकी जितने भी हमारे फेस्टिवल है वो हम ऐसे ही रेगुलर फीचर की से मनाएंगे, क्योंकि उससे हम लोग भी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ था और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो हमारे साथ था, NHPC हमारे साथ था, वो भी हमारे स्पॉन्सर थे। उसके अलावा हमें बाकी तो हम लोगों ने ही ऑर्गेनाइज करवाया, जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने। आज का जो ये लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ रियासी में, जनरल जोरावर सिंह जो ट्रस्ट है उसने और एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने, कल्चरल अकेडमी जम्मू ने और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, जो जितने भी डिपार्टमेंट मिलकर उन्होंने करवाया, ये बहुत ही बड़ा ग्रैंड इवेंट था। और इस तरह के इवेंट मैं चाहता हूँ हर फेस्टिवल पर होने चाहिए, दिवाली पे हो, लोहड़ी पे हो, वैसाखी पे हो, ताकि हमारे लोगों का आपस में मेल मिलाप जो है वो बना रहे, क्योंकि आजकल सारी दुनिया फोन में घुसी हुई है। ठीक है ना, फोन एक ऐसी चीज़ है, एक परिवार के 10 बंदे एक ही कमरे में बैठे हुए हैं लेकिन वो फोन के माध्यम से एक दूसरे से कोसों दूर हैं। तो इस तरह के इवेंट हमारे इतिहास में होते रहे हैं और लोगों का आपसी मेल मिलाप, और ये भी होता था कि कई बार एक कल्चर के लोग दूसरे कल्चर के लोगों के साथ सेलिब्रेट करते थे, ताकि ट्रांसफॉर्मेशन कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर होता था, प्रमोशन होती थी कल्चर की। मैं चाहता हूं कि अगले बार ऐसा हो कि पंजाब के लोगों का कल्चर यहां पे आए या फिर हम वहां पे जाएं, पंजाब के साथ कोलैबोरेशन हो, साउथ इंडियन कल्चर के साथ हमारी कोलैबोरेशन हो, ताकि हमारे कल्चर को बाकी दुनिया के लोग भी जाने, बाकी स्टेट्स के लोग भी जाने। तो इस तरह की सेलिब्रेशन होने से एक तो आपसे लोगों का मेल मिलाप होगा, सबसे पहली बात तो ये कि मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट को, उनके पूरे मेंबर्स को, जिन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया, ऐसी सोच को उन्होंने क्या बोल अमली जामा पहनाया। और रियासी के लोग जो नहीं आ पाए वो जरूर इसको मिस करेंगे जब आपके माध्यम से देखेंगे। तो मैं एनबी के स्टूडेंट भी यहां पे मौजूद थे और लगातार एंजॉय कर रहे थे, काफी एक्साइटेड दिख रहे थे, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, बच्चों ने इतना एंजॉय किया है कि उनको अब मेन चीज ये है कि बच्चों ने ऐसा इवेंट पहली बार देखा, क्योंकि ऐसा इवेंट पहले रियासी में मैंने तो नहीं देखा, हुए होंगे शायद इससे बेहतर भी हुए होंगे, लेकिन ऐसा इवेंट अभी तक मुझे नहीं लगता कहीं हुआ है। और बच्चों ने इतना एंजॉय किया, उनको बिल्कुल एक यूनिक चीज देखने को मिली कि अपने कल्चर को जानने का मौका, अपने इतिहास को जानने का मौका, अपने पास्ट को जानने का मौका, अपने वॉरियर्स को जानने का मौका, अपने वंशज हम किसके हैं जानने का मौका मिला बच्चों को। और मेल मिलाप इतना एंजॉय किया, मैं डांस नहीं करता हूं, सिर्फ गाता हूं, लेकिन आज मैंने इतना डांस किया है कि यूं समझिए पसीना आ रहा है इतने सर्दी के मौसम में। तो बहुत ग्रैंड इवेंट हुआ ये। देखिए, पहले नंबर तो मैं पहले जनरल जोरावर सिंह जो इनका बना हुआ है इसका मैं ट्रस्ट इनका शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने ये पहली बार यहाँ, मेरी खुद 48 एज है, मैंने पहली बार ऐसा यहाँ प्रोग्राम देखा है। और जैसे अलग अलग जगह पे और तरीके के कोई प्रोग्राम होते हैं जैसे बैसाखी का जहाँ और कुछ हमने देखा, लेकिन हमने पहली बार रियासी के अंदर ये देखा। आपने देखा होगा कि हम भी यहाँ रियासी के अंदर कम से कम 40 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हैं और हमने देखा काफ़ी इतनी बड़ी गैदरिंग और कितने लोग यहाँ जम्मू से, उधमपुर से, कठुआ से, कितने कितने दूर से यहाँ लोग आए। इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर रियासी की जनता का जहाँ जिन्होंने यहाँ बढ़ चढ़ कर यहाँ एक हिस्सा लिया। और काफ़ी मैंने देखा कि कितने लोग डांस कर रहे थे और कितना टाइम अभी हो रहा है, अभी तक लोग इसका वेट कर रहे हैं। और डोगरी जो भी हमारा कल्चर प्रोग्राम है उसके अलग अलग तरीके के जो भी गाने हैं आपने सुना, आपके माध्यम से सारे लोग सुनेंगे, लेकिन हमने देखा कि बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्राम हो, इसके लिए मैं इनका शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा, बिल्कुल ऐसा ही प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए। हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यू जो इन्होंने आज शुरू किया, जैसे इन्होंने कहा कि हम पहले जम्मू में करते थे, आज इनका होम टाउन के अंदर ये इतना बड़ा ये प्रोग्राम करते हैं, तो हम चाहेंगे ये कंटिन्यू ऐसे ही प्रोग्राम यहाँ करते रहें, जिससे यहाँ रियासी का ऐसे भी नाम आगे है। लेकिन इस प्रोग्राम से आज आपने देखा कि हर घर के अंदर आपके मीडिया के माध्यम से लोग जब देखेंगे तो लोग जरूर मिस करेंगे हम यहाँ नहीं, ये आने वाले दिनों में वो भी लोग जहाँ आएंगे और अच्छे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे।